दोस्तों, कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, चदरिया झीने रे झीने। तो उसमें पूरा जीवन उन्होंने हमें बताया है। कुछ इसी तरह की एक पोएम हम आज देखने जा रहे हैं, इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वॉज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सोब्रिक्विट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविनेंस इन 1947, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। सरोजनी नायडू भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में उनका योगदान बहुत बड़ा था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थी और वो पहली महिला राज्यपाल थी। इंडियन वीवर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ गारमेंट्स दैट द वीवर्स वेव एट थ्री पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ डे। इंडियन वीवर्स एक ऐसी पोएम है जहां पे पोएटेस तीन अलग अलग गारमेंट्स अलग अलग समय पर कैसे वो वीवर्स बुनते हैं, वो बुनकर बुनते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद दिस पोएम, इंडियन वीवर्स। वीवर्स वीविंग एट पीक ऑफ डे। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलकॉन वाइल्ड, वी वीव द रोज ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। मीन्स हियर पोएट इज आस्किंग द क्वेश्चन, अर्ली इन द मॉर्निंग why you are weaving this garment so beautiful, its color is blue, why did you choose this blue color which is so beautiful, we wear the robes of a newborn child। to iska matlab ye hai ki viewers ko ye poetess poochti hai ki itni subah subah aap ye garment kyon bun rahe ho aur ye garment jo aap bun rahe ho itna brightful itna acha kyon hai और आपने ये जो ब्लू रॉयल ब्लू ये कलर क्यों आपने चूज किया है। यहाँ पे हेलकॉन इसका मीनिंग होता है किंगफिशर बर्ड की तरह। तो उसका जवाब वो बुनकर देते हैं, वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। जिस बच्चे ने इस खूबसूरत दुनिया में अभी पैर रखा है उसके लिए हम कपड़ा बुन रहे हैं। बुनकर जो थे वो बहुत खुश लग रहे थे। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, like the plumes of a peacock, purple and green, we wave marriage veils of a queen. Weavers, why you are weaving these things at the fall of night in the evening? Why do you weave a garment so bright, so beautiful? Its color is like that peacock's feathers. It's purple and green. Weaver answered, we are weaving this one for one queen. तो यहाँ पे दोस्तों इसका मीनिंग ऐसा होता है कि वीवर से जब अपने पोएटस पूछती है कि इस शाम में आप गारमेंट क्यों वीव कर रहे हो, क्यों बुन रहे हो, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, हम उसे मयूर पंख कहते हैं, उसकी तरह पर्पल और ग्रीन उसका कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही बढ़िया है। वीवर्स आंसर देते हैं, तब बताते हैं, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, हम जो नई दुल्हन है एक क्वीन है वो शादी करने जा रही है उसके लिए घूंघट हम बुन रहे हैं, और ये करते वक्त वो बहुत ज्यादा खुशी से वो कपड़ा बुन रहे थे। वीवर्स वीविंग सॉल्मन एंड स्टील, व्हाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वी वेव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। पोएट इज आस्क द क्वेश्चन, व्हाई यू आर सो चिल, व्हाई यू आर सो कोल्ड and still while weaving, then that weaver answered, we weave a dead man's funeral shroud, we are weaving this cloth for dead man। to yahan pe poetess puchti hai ki aaj aap raat mein ye sab aap kaam itne shant tarike se kaise kar sakte ho aur ye kya bun rahe ho aap। tab wo bunkar batate hain, hum aaj yahan pe kafan bun rahe hain। jab bhi aadmi ki maut hoti hai to uske liye jo kafan lagta hai jiska rang क्लाउड की तरह व्हाइट होता है, तो हम वही बुन रहे हैं। पोएटिस हमें यहाँ पे बताती है कि ये जो तीन स्टांजा है, ये तीन स्टांजा
अपनी लाइफ की तीन स्टेजेस है। स्टांजा 1 रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड, स्टांजा 2 रिप्रेजेंट्स अवर यूथ, स्टांजा 3 रिप्रेजेंट्स अवर ओल्ड एज। स्टांजा 1 में द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड विद द विंग ऑफ अ हेलिकॉर्न बर्ड, इसका मतलब यही होता है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां काफी अच्छी तरह से लेता है। और यहाँ पे जिंदगी का जो कलर है उन्होंने रॉयल ब्लू या ब्लू सेलेक्ट किया है, और वो जो बुनकर थे वो सारी चीजें जब बुन रहे थे तो वो काफी खुश लग रहे थे। स्टांजा 2 में हमें पता चलता है जो हमारा यूथफुल है कि हर कोई आगे जाके शादी करता है, काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बताता है, तो वो जो जिंदगी का कलर है वो पर्पल और ग्रीन यहाँ पे बताया है। बुनकर का जो इमोशन है वहां पे वो हैप्पी, और वो बुनते समय वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। और स्टांजा 3 में डेड मैंस फ्यूनरल श्रब व्हाइट फीदर एंड कोल्ड, जो व्हाइट फीदर की तरह क्लाउड की तरह व्हाइट हो ऐसा कफन वो बुन रहे थे, और उसके लिए वो जब बुन रहे थे तब वो ज्यादा सीरियस थे, थोड़े शांत बन गए थे। एंड दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो दिस इज द समरी एंड थीम ऑफ द पोएम इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू। दोस्तों अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो आपका जो भी रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस तैयार किए हैं वो सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।